please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जयपुर में नगर निगम की इमारत के बाहर कांग्रेस के कुछ पार्षद पुलिस वालों से धक्का मुक्की करने लगे। आरोप है कि कांग्रेस के पार्षदों को मेयर अशोक लाहोटी ने नियमों का पालन नहीं करने की वजह से बैठक में शामिल होने से रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस पार्षदों ने इमारत में जबरन घुसने की कोशिश की। ऐसे में पुलिस वालों ने उन्हें रोका तो वो उनसे ही भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस पार्षदों की पुलिस वालों से धक्का मुक्की होने लगी। हंगामे के दौरान एक महिला पार्षद की तबीयत बिगड़ गई, जिसे पानी पिलाकर होश में लाने की कोशिश की गई। कांग्रेस पार्षदों ने मेयर पर मनमानी करने का आरोप लगाया। जब से अशोक लाहोटी जी चुन के आए हैं, उसके बाद से आप देखिए लोकतंत्र को ताक में रखे नगर निगम में काम किया जा रहा है। असल में कांग्रेस पार्षद धर्म सिंह को 3 बैठकों में शामिल होने से मेयर ने सस्पेंड किया था, लेकिन आरोप है कि हंगामे की आशंका की वजह से कांग्रेस के सभी पार्षदों को बाहर ही रोक दिया गया, लिहाजा कांग्रेस पार्षद वहीं धरने पर बैठ गए और हंगामा करने लगे। कोई नियम नहीं किसी पार्षद। धरना प्रदर्शन के बीच एक आदमी हाथों में मेहंदी लगाए दूल्हे की ड्रेस में वहाँ पहुँचा और पार्षदों के साथ जमीन पर बैठ गया। गुजरात में सूरत के वारसा इलाके में भारी बारिश की वजह से कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद वहां एक दीवार भर भरा कर गिर गई। सूरत में कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से हालात खराब हो गए हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई। सूरत के वारसा इलाके में भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया, जिसकी वजह से वहां एक दीवार भर भरा कर नीचे गिर गई। वारसा के साथ डांग इलाके में भी भारी बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया। वहीं सूरत में एक पुलिस स्टेशन के पास बारिश का पानी भरने से वहां खड़ी कई बाइक डूब गई। इस दौरान कई गाड़ियां और ऑटो रिक्शा भी बारिश के पानी में डूबे दिखे। पुलिस स्टेशन के अंदर बारिश का पानी घुसने से पुलिस वाले भी परेशान रहे। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी की मदद से हालात पर काबू पाने की कोशिश की गई। सूरत के दूसरे इलाकों में भी मुद्दी जगह जगह बारिश का पानी भरने से जाम के हालात बन गए। मौसम विभाग ने सूरत में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी। महाराष्ट्र में किसानों के कर्ज माफ किए जाने के बावजूद खुदकुशी की घटनाओं में कोई बड़ा फर्क नहीं आया है। महाराष्ट्र सरकार के आंकड़े कुछ इसी तरह इशारा करते हैं। कर्ज माफी की योजना महाराष्ट्र सरकार ने पिछले साल शुरू की थी और इस साल के पहले 6 महीने में ही अब तक 1300 से ज्यादा किसान खुदकुशी कर चुके हैं। हालांकि 2017 में जनवरी से जून के 6 महीनों में राज्य में किसानों की खुदकुशी का आंकड़ा 1398 रहा था। साल के पहले 6 महीने में मराठवाड़ा के 477 किसानों ने खुदकुशी की, जबकि पिछले साल खुदकुशी करने वालों में मराठवाड़ा के 454 किसान थे। विदर्भ में पहले 6 महीने में खुदकुशी करने वाले किसानों का आंकड़ा 598 तक पहुंच गया। हालांकि पिछले साल इन्हीं महीनों में विदर्भ के 656 किसानों ने आत्महत्या की। महाराष्ट्र सरकार की कर्ज माफी योजना के तहत 77 लाख से ज्यादा किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा की गई, लेकिन अब तक इस काम की रफ्तार बेहद धीमी रही है और केवल 38 लाख किसानों को ही सरकार की तरफ से पैसा दिया गया है। बिहार के सिवान में अचानक 11,000 की हाई वोल्टेज तार में आग लग गई। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और देखते ही इसने भीषण रूप ले लिया। आग की वजह से कुछ देर के लिए आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीएम ने आध्यात्मिक गुरु जेपी वासवानी के निधन पर दुख जताया। धारा 377 पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने टिप्पणी की कि अदालत जनमत संग्रह के जरिए संवैधानिक मुद्दों को तय नहीं करती। अब मामले पर अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल की ओर से चलाए गए सर्च अभियान के दौरान मुठभेड़ में राजस्थान के झालावाड़ के रहने वाले मुकुट बिहारी मीणा शहीद हो गए। चेन्नई में कमल हासन ने समर्थकों के बीच अपनी पार्टी का झंडा लॉन्च किया। मुंबई के पास ठाणे में भारी बारिश के बीच फैली बीमारियों की वजह से महानगर पालिका आयुक्त संजीव जायसवाल की पत्नी और बेटी को डेंगू होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने अपनी किताब में इमरान खान पर ड्रग्स लेने और पार्टी की कई महिला कार्यकर्ताओं और एक पुरुष के साथ शारीरिक संबंध होने का दावा किया। पटना में कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बिहार में आरजेडी और दूसरे दलों के साथ गठबंधन करने को कांग्रेस की मजबूरी बताया। वाराणसी जिला जेल के अंदर से एक कैदी के मोबाइल पर बात करने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में भोजपुरी गायिका कल्पना पटवारी बीजेपी में शामिल हो गई। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इस साल से हैप्पीनेस पर एक अलग क्लास शुरू की जाएगी, जिसमें बच्चों को कहानियों के जरिए अच्छी बातें सिखाई जाएंगी, लेकिन ये सिलेबस का हिस्सा नहीं होगा। यूपी के गाजियाबाद में थानेदारों के तबादले को लेकर डीएम ऋतु माहेश्वरी के एसएसपी वैभव कृष्ण से सवाल जवाब करने के बाद एसएसपी ने प्रमुख सचिव गृह को पत्र लिखकर अपने तबादले की मांग की।
जापान के ओकायामा में तूफान और बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए लगाए गए एक कैंप में प्रधानमंत्री शिंजो आबे को देखकर एक महिला रोने लगी। जापान में बीते हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई जिसकी वजह से मरने वालों की संख्या 200 पहुंच गई और हजारों लोग बेघर हो गए। उनमें कुछ लोगों से मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री शिंजो आबे को देखकर एक महिला रो पड़ी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों को मदद का भरोसा दिया। यही नहीं, वो राहत के काम में जुटे लोगों से भी मिले। शहर में दाखिल होने से पहले शिंजो आबे ने बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रार्थना भी की। लोगों से मुलाकात के बाद शिंजो आबे ने वहां के मंत्रियों के साथ बैठक की। पिछले हफ्ते आए तूफान और बारिश को जापान में 3 दशक में आई सबसे बड़ी आपदा बताया गया। बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से कई इलाकों में फंसे करीब 10,000 लोगों को बचाव दल ने बाहर निकाला। त्रिपुरा में पुलिस ने तलाशी के दौरान भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। पुलिस ने कुल के नीचे छिपा कर रखे गए गांजे के तकरीबन 180 पैकेट बरामद किए हैं जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। एक ही दिन में पुलिस को ये तीसरी बड़ी सफलता मिली है। इससे पहले पुलिस ने अगरतला में भारी मात्रा में गांजा जब्त किया था। हरियाणा में स्वराज इंडिया पार्टी के संयोजक योगेंद्र यादव की बहन के अस्पताल में आयकर विभाग के छापे पर सियासत गर्मा गई जिसके बाद कई विपक्षी दल योगेंद्र यादव के समर्थन में उतर आए और मोदी सरकार पर सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, हम मोदी सरकार द्वारा इनकम टैक्स विभाग जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल कर योगेंद्र यादव के परिवार पर किए जा रहे अत्याचार की कड़ी निंदा करते हैं। मोदी सरकार को इस तरह की बदला लेने की राजनीति बंद कर देनी चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी योगेंद्र यादव के समर्थन में उतरी और ट्वीट किया कि 2019 के चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी एजेंसियों के इस्तेमाल से विपक्ष का मुंह बंद करवाना चाहती है और खुलेआम बदले की राजनीति कर रही है। योगेंद्र यादव के परिवार पर पड़े आयकर छापे की मैं कड़ी निंदा करती हूँ। कांग्रेस ने भी योगेंद्र यादव की बहन के अस्पतालों पर आयकर विभाग के छापे को शर्मनाक बताया। झारखंड के धनबाद में गांधी सेवा सदन में करीब 38 रसेल वाइपर सांप पकड़े गए हैं। ये सांप गांधी सेवा सदन में पेड़ के पास एक गड्ढे में मिले हैं। हालांकि ये सांप अभी बच्चे हैं लेकिन इन्हें बेहद ही जहरीला माना जाता है। सांपों को पकड़ने के बाद इन्हें जंगल में छोड़ दिया गया। इस इलाके में बारिश के मौसम में अक्सर सांप निकल आते हैं लेकिन रसेल वाइपर सांप पहली बार इतनी संख्या में पकड़े गए हैं। हमें बहुत दिन से सूचना मिला था, दो बार हम लोग पकड़ के ले गए यहाँ से, तो आज हम लोग तो एक जो कैजुअली हम आए, हमको लगा सांप नहीं है क्योंकि ये पेड़ का गड्ढा है, वो यहाँ बिल टाइप का है, उसके अंदर से हमको नजर आया, उसको हम लोग निकाले। पाकिस्तान की सैन्य ताकत पिछले साल के मुकाबले इस साल कमजोर हुई है। ये दावा दुनिया भर के देशों की सैन्य ताकत का आकलन करने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर ने 2018 के इंडेक्स में की। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2018 में दुनिया भर के 136 देशों के नाम शामिल हैं। इनमें सैन्य ताकत के मामले में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर बना हुआ है जबकि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई। पिछले साल पाकिस्तान 13वें नंबर पर था लेकिन इस साल उसकी ताकत कम हुई और वो गिरकर 17वें पायदान पर पहुंच गया। सैन्य ताकत के मामले में अमेरिका लगातार पहले पायदान पर बना हुआ है जबकि दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे पर चीन की रैंकिंग बरकरार है। इस इंडेक्स में देशों की परमाणु ताकत और राजनीतिक नेतृत्व की को शामिल नहीं किया जाता। बिहार के दरभंगा में एक सरकारी स्कूल के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग पुलिस की मौजूदगी में हंगामा करने लगे। वहां स्कूल की एक छात्रा ने टीचर पर छेड़खानी का आरोप लगाया जिसके बाद नाराज परिवार वाले स्कूल पहुंचे और आरोपी टीचर को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे लेकिन इससे पहले ही टीचर वहां से फरार हो गया। इससे नाराज लोगों ने स्कूल के बाहर जमकर हंगामा शुरू कर दिया। परिवार वालों ने स्कूल प्रशासन पर आरोपी टीचर को भगाने का आरोप लगाया। कॉपी लेकर जाते चेक कराएंगे तब टच करते, हम लोग कितना समझाते सर पर नहीं समझे। छेड़छाड़ की घटना सामने आने के बाद कई और छात्राओं ने भी शिक्षक सतेंद्र सिंह के खिलाफ शिकायत की। हम लोग इज्जत नहीं है। मामले की जानकारी जब इलाके के लोगों को हुई तो उन्होंने परिवार वालों के साथ मिलकर स्कूल में मौजूद सभी शिक्षकों और प्रिंसिपल को बंधक बना लिया लेकिन देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ गया कि हालात बेकाबू हो गए और स्कूल के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और उग्र भीड़ को समझाने की कोशिश करने लगी लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और हंगामा बढ़ता गया। नाराज लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर जाम लगा दिया और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। लड़कियों के साथ जो है कि अश्लील हरकत किया गया है।
पुलिस ने स्कूल में बंद प्रिंसिपल और दूसरे शिक्षकों को छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन स्कूल के बाहर मौजूद परिवार वालों ने पुलिस की एक नहीं सुनी। इस बीच एक महिला की महिला पुलिस अधिकारी से बहस भी हो गई। हालांकि काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने स्कूल में बंद प्रिंसिपल और दूसरे शिक्षकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी टीचर सत्येंद्र सिंह और स्कूल की प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया। मुंबई में कांग्रेस नेता संजय निरुपम हाथों में फावड़ा लेकर सड़क पर बने एक गड्ढे को भरने लगे। कांग्रेस ने बारिश से बेहाल मुंबई में गड्ढा गिनो अभियान शुरू किया, जिसके तहत मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरे। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल मंजीरे बजाते हुए बीजेपी, शिवसेना और बीएमसी के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस की गड्ढा गिनो प्रतियोगिता के लिए सड़क पर बने गड्ढों को बाकायदा सफेद चूने से घेरा गया। इसके बाद संजय निरुपम ने एक गड्ढे को सीमेंट और गिट्टी की मदद से भरना शुरू कर दिया। गड्ढा भरने के बाद ढोल मंजीरों की धुन के बीच संजय निरुपम ने उस जगह पर बीजेपी का मजाक उड़ाते हुए खासतौर से कमल के फूल भी रखे। इसके बाद उन्होंने बीएमसी पर बड़ा हमला बोला। सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, मुंबई महानगर पालिका में बैठकर सिर्फ कमीशन खाने में शिवसेना बीजेपी के लोग व्यस्त हैं, जिसकी वजह से मुंबई करों की हालत खराब है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीएमसी की लापरवाही की वजह से पहले बारिश ने लोगों को बेहाल किया और अब सड़कों पर बने गड्ढे उनकी मुसीबत बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में हुई बारिश के कारण मुंबई के रास्ते जो है वो खड्डों से भर गए हैं। कांग्रेस ने लोगों से अपील की कि वो मुंबई की सड़कों पर बने गड्ढों की तस्वीरें खींचें और उन्हें बीएमसी के अधिकारियों को भेजें। उत्तराखंड के रुड़की में कार्यक्रम के मंच पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। वहां कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया, जिसमें शामिल होने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता दो गुटों में बटे दिखाई दिए। जन आक्रोश रैली में तैयार मंच में पूर्व सीएम हरीश रावत की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ता हंगामा करने लगे और देखते ही देखते उनके बीच धक्का मुक्की भी शुरू हो गई। हरीश रावत कार्यकर्ताओं को शांत रहने की अपील करते रहे, लेकिन उन पर इसका कोई असर पड़ता नहीं दिखा। हंगामा बढ़ता देख कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को बीच बचाव करना पड़ा। हालांकि उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी होने से इनकार कर दिया। कहीं पर कोई गुटबंदी नहीं है, आपको दिखाई दे। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के समर्थकों ने रैली के लिए पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत के समर्थकों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, जिसके बाद वहां हंगामा शुरू हो गया। जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा ने अपनी लग्जरी बाइक होंडा गोल्ड विंग को की भारत में बिक्री शुरू कर दी है। कंपनी का दावा है कि होंडा गोल्ड विंग के लिए भारत से अब तक 35 बुकिंग्स मिल चुकी हैं, जिनमें 3 मोटरसाइकिल्स की डिलीवरी केरल के कोच्चि में की जा चुकी है। होंडा की इस लग्जरी बाइक में 6 सिलेंडर वाला 1833 सीसी का इंजन लगा है, जिससे इसे 125 हॉर्स पावर की ताकत मिलती है। यह भारत में बिकने वाली पहली ऐसी बाइक है जिसमें कारों की तरह रिवर्स गियर की सुविधा दी गई है, यानी बाइक सवार अपनी बाइक को उल्टी दिशा में चला सकते हैं। हालांकि इस बाइक में गियर लगे। मध्य प्रदेश के दमोह में कुछ लोग पानी के तेज बहाव में फंसे एक लड़के को बचाने की कोशिश करने लगे। बताया जा रहा है कि अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और उसमें एक बाइक सवार लड़का फंस गया, जिसे वहां खड़े कुछ लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे बचा नहीं सके और लड़का बाइक समेत पानी में बहता चला गया। बहाव इतना तेज था कि वो लोग भी वहां से भागकर बाहर निकल आए, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने पानी में कूदकर लड़के को बाहर निकाला और उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। लोगों ने बचा लिया था, उसके साथ में जो मोटरसाइकिल डूब गई थी उसको भी लोगों ने निकाल लिया, व्यक्ति सुरक्षित है। बताया जा रहा है कि पुल पर अचानक पानी का बहाव बहुत तेज हो गया और उसकी वजह से कई लोग वहां फंस गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान की पूर्व पत्नी रहम खान ने उनके बारे में दावा किया कि वो एक आदमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह चुके हैं। रहम खान ने यह दावा अपनी आत्मकथा में किया जो इंटरनेट पर प्रकाशित हुई, जिसमें रहम खान ने इमरान खान के बारे में कई सनसनीखेज दावे किए। पाकिस्तान के आम चुनाव से पहले सामने आए ये राज इमरान खान की छवि को खराब कर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर सकते हैं। रहम खान ने अपनी आत्मकथा में दावा किया कि इमरान खान अपने दोस्त मोबी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह चुके हैं। उन्होंने इमरान पर अपनी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से शारीरिक संबंध रखने का भी आरोप लगाया। उनका ये भी दावा है कि इमरान के दुनिया भर में कई बच्चे हैं, जिनमें 5 भारत में हैं। रहम खान ने इमरान खान पर ड्रग्स लेने का आरोप भी लगाया। पिछले महीने न्यूज 18 से बातचीत में रहम ने दावा किया था कि उनकी किताब में इमरान का असली चेहरा है, जिसे इमरान को वोट देने जा रहे मतदाताओं को जानना चाहिए। रहम के सनसनीखेज दावों पर इमरान खान ने अब तक मुंह नहीं खोला है। वो 25 जुलाई को होने वाले आम चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने में जुटे हैं। दिल्ली के स्वरूप नगर में एक महिला दुकानदार एक लड़के को रजिस्टर दिखाने लगी। आरोप है कि चेन छीनने वाले गिरोह के एक बदमाश ने वहां महिला दुकानदार के गले से चेन छीन ली।
जो खरीदारी के बहाने उसकी दुकान पर पहुंचा और महिला से रजिस्टर दिखाने को कहा, जिसके बाद महिला उसे रजिस्टर दिखाने लगी। लेकिन इसी बीच मौका देखकर दुकान के बाहर खड़ा बदमाश महिला के गले की तरफ झपटा और उसके गले में पड़ी सोने की चेन खींचकर भाग गया और महिला दुकानदार पर चिल्लाती रह गई। उसने मेरे गले में हाथ मारकर मेरी चेन लेकर भाग गया। महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का भरोसा दिया। गुजरात के वलसाड में तेज बहाव के बीच एनडीआरएफ के जवान कुछ लोगों को एक पुल पार कराने लगे। वलसाड समेत गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिससे निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया ताकि जल्द से जल्द बाढ़ में फंसे लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। वलसाड में भारी बारिश के बाद एक इलाके में नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा, जिसके बाद सड़क के एक किनारे पर फंसे कई लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने तेज बहाव के बीच पुल पार कराया। वही कमोबेश ऐसे ही हालात वलसाड के दूसरे हिस्सों में भी दिखाई दिए, जिसके बाद लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया, जिसने एक रिहायशी इलाके में घुटनों तक पानी भर जाने के बाद वहां फंसे कई लोगों को सही सलामत सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। 25 लोगों को यहां स्थल से निकाल कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया और बाकी लोगों को भी कहा जा रहा है आप लोग भी अपना सामान क्लोज कर लें। बारिश का असर वलसाड के अलावा नवसारी, वडोदरा और सूरत में भी दिखाई दिया, जहां बारिश की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में वलसाड और नवसारी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसे देखते हुए प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया। अपनी नई फिल्म के सिलसिले में मुंबई लौटी प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में वो एक होटल की लॉबी में दौड़ती दिखाई दी, जबकि वीडियो के बैकग्राउंड में अमेरिकन सिंगर चार्ली पुथ का एक गाना बज रहा था। इस गाने पर प्रियंका चोपड़ा दौड़ती और मस्ती करती हुई नजर आईं। प्रियंका का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसे एक घंटे में लगभग 5 लाख बार देखा गया। प्रियंका का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक डायलॉग बोलते हुए हंसने लगी। इसके अलावा प्रियंका ने एक वीडियो इंस्टा स्टोरी पर भी डाला, जिसमें उनके मेकअप आर्टिस्ट मिकी कॉन्ट्रैक्टर उनका मेकअप करते दिखे। पटना में छात्र आरजेडी के कार्यकर्ताओं पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर पकोड़े तलने लगे। आरजेडी से जुड़े छात्र संगठन ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बिहार दौरे का विरोध किया, जिसके लिए छात्र आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने लोगों को पकोड़े और पान खिलाए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने अमित शाह के विरोध में काले झंडे भी लहराए। छात्र आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की मांग को अनदेखा करने का भी आरोप लगाया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। छात्र आरजेडी के नेताओं ने पकौड़े बेचने की नसीहत को राज्य के बेरोजगार छात्रों का अपमान बताया। अमित शाह जी का बिहार आगमन पर काला दिवस के रूप में हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। छात्र आरजेडी ने अमित शाह का स्वागत करने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया। ताजमहल के संरक्षण के मसले पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद विपक्षी दल यूपी और केंद्र सरकार पर हमलावर हो गए, जिसके बाद सरकार ने भी ताजमहल के संरक्षण में कोई कोताही नहीं बरतने का भरोसा दिया। और न्यूज 18 से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने ताजमहल के रंग में कोई बदलाव नहीं होने का दावा किया। जहां तक बिल्डिंग की सुरक्षा है, जहां तक बिल्डिंग के कलर परिवर्तन में, उसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई खराबी नहीं है, उसकी सुरक्षा की हम लोग सब लोग उसके लिए चिंतित हैं। हालांकि सरकार के भरोसा दिलाने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर देश की धरोहरों को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। प्रदेश सरकार जो है एक धार्मिक स्थलों को गिराने का प्रयास करने का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस ने ताजमहल की सुरक्षा और संरक्षण को सरकार की जिम्मेदारी बताते हुए उस पर वोटों के लिए विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किसान नेताओं से मुलाकात की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में किसान नेताओं से मुलाकात की। यूपी के कानपुर में सीबीआई ने घूस लेने के आरोप में इनकम टैक्स विभाग के एक अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के पटना में एक महिला ने अपने पति पर 3 बार चिट्ठी लिखकर तलाक देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मॉनसून के दौरान रेलवे की अव्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए महाराष्ट्र और केंद्र सरकार को फटकार लगाई। यूपी के झांसी में अचानक एक बाइक में आग लगने के बाद बाइक सवार दोनों लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने एक स्कूल में मिड डे मील खाने से बीमार हुए बच्चों का अस्पताल जाकर हाल जाना। देश भर के अलग अलग हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति करने के लिए कानून मंत्रालय ने 69 नाम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेज दिए।
ओमान में फंसे कुछ भारतीयों ने एक वीडियो जारी कर कंपनी पर 6 महीने से वेतन ना देने का आरोप लगाते हुए सरकार से मदद की गुहार लगाई। शादियों में होने वाले खर्च पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सलाह दी। अगर सरकार ने कोर्ट की ये सलाह मान ली तो लोगों को शादी में हुए कुल खर्च का हिसाब किताब सरकार को देना पड़ेगा। कोर्ट ने सुझाव दिया है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों का परिवार शादी पर किए गए खर्च का पूरा हिसाब जिले के मैरिज ऑफिसर को लिखित तौर पर दे। कोर्ट ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार चाहे तो शादी से जुड़े कानूनों में इसके लिए बदलाव भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ऐसा करने से दहेज का लेन देन भी कम होगा और दहेज के कानूनों से जुड़ी फर्जी शिकायतें भी कम होंगी। कोर्ट ने एक अहम सलाह ये भी दी कि शादी पर होने वाले खर्च का एक तय हिस्सा दुल्हन के बैंक खाते में जमा करना जरूरी किया जा सकता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले पर सलाह मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सुझाव दहेज से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया। जापान के चीबा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक आदमी रोबोट पर बैठकर स्टेज पर घूमने लगा। चीबा इंस्टीट्यूट ने दावा किया कि उसका रोबोट का इस्तेमाल मोटरसाइकिल की तरह भी किया जा सकता है, जिस पर लगी सीट पर बैठकर आसानी से सवारी की जा सकती है, जिसका प्रदर्शन इंस्टीट्यूट के इंजीनियर ने मीडिया के सामने किया। एक साइकिल की तरह दिखने वाले इस रोबोट का नाम कैंगुरू रखा गया, जो अपना आकार भी बदल लेता है। इसकी रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये रोबोट अपने मालिक की पहचान कर खुद उसके पीछे चल सकता है। इतना ही नहीं, जो बात इसे अलग बनाती है वो है इसका खुद कहीं भी आ जा सकना। हालांकि इसके लिए रोबोट के मालिक को एक ऐप के जरिए उसे पहुंचने की वजह बतानी होती है। इंस्टीट्यूट का दावा है कि कैंगुरू रोबोट को 2020 में बाजार में उतारा जाएगा, जिसका इस्तेमाल शॉपिंग मॉल और इमारतों को बनाने वाली जगहों पर किया जा सकेगा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर को सुलगाने के लिए खालिस्तान की आग एक बार फिर भड़काने की कोशिश कर रही है। इसके लिए वो खालिस्तान समर्थकों को एकजुट कर रही है। साथ ही सिख युवाओं को खालिस्तान के नाम पर भड़काया जा रहा है। यही नहीं, उन्हें हथियार उठाने के लिए उकसाने की कोशिश भी की जा रही है। ISI की इस करतूत का पर्दाफाश लंदन में खालिस्तान समर्थकों की एक मुहिम से हुआ है। इस मुहिम के तहत दुनिया भर के खालिस्तान समर्थकों को 12 अगस्त को लंदन में इकट्ठा किया जा रहा है। उसी दिन वहां रेफरेंडम 2020 जारी किए जाने की तैयारी है। इस कार्यक्रम के लिए सिक्स फॉर जस्टिस नाम का संगठन जोर शोर से तैयारी में जुटा है। रेफरेंडम 2020 का मकसद अलग खालिस्तान के लिए जनमत संग्रह कराना है, लिहाजा ISI खालिस्तान समर्थकों की इस मांग को हवा दे रही है, ताकि कश्मीर में आतंक की दुनिया फिर से बसाई जा सके। उस दिन वो पंजाब की आजादी की के लिए गुहार लगाएंगे। ये एक बद्दा प्रयास है उन लोगों की तरफ से जो कि भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। असल में ISI सिख फॉर जस्टिस संगठन के जरिए पंजाब के युवाओं को आतंक की दुनिया में शामिल करना चाहती है। इसके लिए एक विज्ञापन के जरिए उन्हें फंसाया जा रहा है। सिख फॉर जस्टिस की ओर से जारी इस विज्ञापन में पंजाब के युवाओं को नौकरी का लालच दिया जा रहा है। विज्ञापन में युवाओं को सोशल मीडिया पर खालिस्तान के समर्थन में काम करने का ऑफर दिया गया है। इसके बदले उन्हें $500 यानी करीब 35,000 रुपए हर महीने देने का वादा किया गया है। तेल के कम आयात को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से रोजाना 25% तेल कम आयात करने को लेकर सवाल किया। यूपी में बिल्डरों पर लगे बिजली कनेक्शन के लिए ज्यादा पैसे लेने के आरोपों के बाद अब अपार्टमेंट और बहुमंजिला इमारतों में सिंगल पॉइंट कनेक्शन की व्यवस्था को खत्म करते हुए अलग अलग कनेक्शन देने का फैसला लिया गया। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पूजा की। पटना में थानेदारों की नियुक्ति में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के DIG के फैसले का बिहार पुलिस एसोसिएशन ने विरोध किया। बिहार में दरभंगा के एक नर्सिंग होम में बेहतर इलाज न मिलने के आरोप में मरीज के परिजनों और डॉक्टरों में मारपीट हो गई। यूपी के एटा में एक ट्रैक्टर पर लगी आटा चक्की फटने से 3 लोगों की मौत हो गई और 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंडिया ए टीम में शामिल ऋषभ पंत ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो और मयंक अग्रवाल एक गाने पर मस्ती करते नजर आए। एक विज्ञापन की शूटिंग के लिए मलेशिया में मौजूद दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर सिर के बल खड़ी होकर कसरत करने की एक तस्वीर पोस्ट की। जानवी कपूर और ईशान खट्टर का एक वीडियो सामने आया, जिसमें दोनों बारिश का मजा लेते नजर आए।
भारतीय एथलीट हिमा दास ने फिनलैंड में चल रही AIF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ का गोल्ड मेडल जीता और वो अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, जबकि अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के ट्रैक इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई हैं। 18 साल की हिमा दास ने महज 51.46 सेकंड में दौड़ पूरी कर ली और गोल्ड मेडल जीत लिया। असम की रहने वाली हिमा दास गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में छठे स्थान पर रही थी। हिमा दास से पहले वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सीमा पुनिया और नवजोत कौर ढिल्लन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था।